राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए म्यूजियम ऑफ लेगसीज का निर्माण किया गया। इसके तहत किशनपुर स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के भवन को संग्रहालय में बदलने के बाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से इसका जीर्णोद्धार किया गया। इस भवन में टेक्सटाइल, ज्वेलरी, स्टोन वेयर, इनले वर्क, पेंटिंग और पोट्री को एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया गया है। वहीं म्यूजियम ऑफ लेगसीज में 5 गैलरीज बनाई गई है, जिनमें प्रत्येक गैलरी भारत की कला और संस्कृति की गहराई से जुड़े लोगों को दी गई है। ब्रजभूषण का एवरीडे एम्ब्रॉयडरीज का संग्रह राजस्थान में उपयोग में लिए जाने वाले कपड़ों की शानदार झलक दिखाता है। सुधीर कासलीवाल के संग्रह में राजस्थान जवाहरात निर्माण के इतिहास, निर्माण की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। वहीं पूजा सिंघल के संग्रह में पिछवी पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पे हर एक गैलरी एक कलेक्टर को दिया गया है, उनका जो प्राइवेट कलेक्शन है, जो वो काफ़ी सालों से यहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें कलेक्ट कर रहे, उनको दिखाने का एक जरिया है ये म्यूज़ियम। तो जो नाम है इसका विरासत संग्रहालय, या इंग्लिश में म्यूज़ियम ऑफ लेगेसीज़, तो इसका वही पॉइंट है कि जो अलग अलग ट्रेडिशनल स्टाइल्स है, जो राजस्थानी स्टाइल्स ऑलमोस्ट हज़ारों सालों से चली आ रही है, उनको दिखाने का एक जरिया है, पर नॉट थ्रू टिपिकली नोन ऑब्जेक्ट्स, पर जो प्राइवेट कलेक्टर्स ने अपनी चॉइस से कलेक्ट किया है। मैंने तो जो कलेक्शन दिखाया है वो जयपुर, जिसके लिए बड़ा मशहूर है, जवाहरात ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, और किस तरह की मीनाकारी की ज्वेलरी यहाँ जयपुर में बनती थी, वो पुराने ज़माने में कैसी बनती थी, आज कैसी बन रही है, और हमारी जो एथनिक ज्वेलरी है वो सब।